नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा सिंह। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए दिन सभाओं में भू माफिया, खनिज माफिया, अपराधियों को खनकर गाड़ने की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के आला अधिकारी इन्हीं को संरक्षण देते हैं और निर्दोष गरीबों पर बुलडोजर चला रहे हैं। कई बार देखने को मिल चुका है कि रीवा जिले में आदिवासियों के साथ किस तरह का अन्याय हुआ है। चाहे उनकी खड़ी फसल हो या रिंग रोड के नाम पर गरीबों के घरों में बुलडोजर चलवाने की घटना, यह सब विकास के लिए नहीं बल्कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के विकास के लिए किया जा रहा है। ताजा मामला रीवा विधानसभा क्षेत्र के सिलपरा ग्राम पंचायत में देखने को मिला है, जहां एक निजी विद्यालय का रास्ता खुलवाने के लिए लाव लश्कर के साथ पहुंचे प्रशासन ने गरीबों के घर पर बुलडोजर से ढा दिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि जो निजी विद्यालय के लिए रास्ता खुलवाया जा रहा है, जिसके लिए आदिवासियों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, वो आरएसएस का कार्यकर्ता है, जिसके लिए विधायक राजेंद्र शुक्ला ने प्रशासन को भेजकर गरीबों के घरौंदों को उजड़वा दिया गया है। स्थानीय निवासी शुभम सिंह चंदेल ने कहा कि अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी जवाबदारी प्रशासन और रीवा विधायक की होगी। हालांकि पूरे मामले को लेकर जब पत्रकार मौके पर पहुंचे, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात करनी चाहिए तो यतीश शुक्ला भड़क उठे और जवाब देने की बजाय मीडिया पर ही बरस पड़े कि हर जगह मीडिया पहुंच जाती है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बड़े माफिया, अपराधी, सत्ता पक्ष से जुड़े लोग दूसरों के घरों में कब्जा किया है, जो प्रशासन को दिखाई नहीं देता, लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के लिए गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार घोषणा कर चुके हैं कि जो जहां पर दलित अपना घर बनाया है उसे वहीं का पट्टा दिया जाएगा, लेकिन शासकीय जमीन पर निजी विद्यालय संचालित किया जा रहा है और उसी विद्यालय के लिए गरीबों का घरौंदा उजाड़ा जा रहा है, जो कहां का न्याय है। यह कार्यवाही स्पष्ट दिखाता है कि राज्य सरकार और प्रशासन की किस तरह की दोहरी नीति चल रही है। आइए आपको पूरी घटना दिखाते हैं और सुनाते हैं पीड़ित आदिवासी और स्थानीय निवासी शुभम सिंह चंदेल ने क्या आरोप लगाए हैं। राजकुमारी, क्या समस्या है? अब समस्या यह है हमको, जब यह हमारा घर गिराया देते, बारी गिराया देते, इसका काम को देगा। कहा गिरा रहे हैं घर आपका? हम कहा जाने का है, गिरा रहा, चोरी से गिरवा रहा है, सामने नहीं खड़ा हो रहा है। किससे कहने पे घर गिराया जा रहा है? अब यह तो पता नहीं, हम लोग को गरीब लोग हैं तो हम कहा जाने के घर कहे में गिरा रहे हैं घर। नोटिस आई रही, उनका दिमाग नहीं रहा सही ना, अब आज का हैरान है ना, हैरियान हम लोग। मेरा नाम शुभम सिंह है, मैं ग्राम पंचायत सिलपरा का निवासी हूँ। आज यहाँ पे प्रशासन द्वारा दबाव बना के आदिवासियों की बस्ती में घर को गिराया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामने SKG विद्यापीठ विद्यालय यहाँ पे संचालित है, जिसका ऑनर RSS का कार्यकर्ता है, माननीय रीवा विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के इशारों पे ये रोड जो है, पहले रोड ये यहाँ से लेके पूरी वहाँ तक थी, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति के निजी स्वार्थ के लिए ये रोड खुलवाई जा रही है, उनके स्कूल तक के लिए, जबकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और ये जो विद्यालय संचालित है ये खुद भी शासकीय जमीन में संचालित है। उसके बाद भी आज ये गरीब बेघर हो रहे हैं। कल अगर कोई भी घटना होती है तो इसकी सारी जवाबदारी तहसीलदार, SDM और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला की होगी।